जिला ऊना के खड्ड स्थित कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन कोरोना संक्रमित सैनिकों का धैर्य अब टूटने लगा है। करीब 15 दिन से लेकर एक माह तक वहां उपचार ले रहे सैनिकों ने वीडियो वायरल कर कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। ये देखो सर, कोविड-19 के पेशेंट कैसे रखे जा रहे हैं। एक कोविड-19 का सेंटर बना रखा खड्ड। अरे देखो पेशेंट, कितना कचरा फैला हुआ है। ऐसे रखते हैं यहाँ पे? ऐसे ही रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है यहाँ पे कोविड-19 पेशेंट को। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद पॉजिटिव आ रहे सैंपल्स की रिपोर्ट दी जा रही है और ना ही उन्हें यहाँ कोई विशेष दवा दी जा रही है। सैनिकों का आरोप है कि उन्हें दवा के नाम पर मात्र बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल दिए जा रहे हैं। हमारे लिए कोविड-19 के पेशेंट बता रहे हैं, हमारे लिए कोविड-19 पेशेंट सर विकासोल कैप्सूल दिए जा रहे हैं। एक महीने से ज्यादा हो चुका है हमें यहाँ पे रहते रहते। एक महीने की छुट्टी आए हैं, 25 दिन निकाल दी यहाँ पे हमारे, 9 महीने बाद छुट्टी आए हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है हमारे लिए। अगर इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है अगले फोन काट देते हैं, अगले बोलते हमारे से नहीं, ऊपर से बात करो। ना कोई डॉक्टर उन्हें देखने आता है और ना ही कोई हेल्थ चेकअप किया जाता है। उन्होंने कहा कि वे एक एक माह की छुट्टी लेकर परिजनों से मिलने आए थे, लेकिन पूरा समय कोविड केयर सेंटर्स में ही बीत रहा है, जबकि सेंटर में तैनात पुलिस कर्मचारी और नोडल ऑफिसर भी उनसे सही व्यवहार नहीं कर रहे। हम कोविड-19 सेंटर हिमाचल खड्ड से बात कर रहे हैं। हमारे टोटल 22 दिन हो गए यहाँ पर। हमें क्या इधर धंधा बना रखा है, हमें ना कोई सलूशन बताते हैं। अगर इनसे हमारा अपनी टेस्ट की रिपोर्ट मांगो ना वो देते हैं, सीधा मना करते हैं, आगे बात करो। आगे इनके नोडल ऑफिसर जो डिटेल कर रखे हैं उनसे बात करते हैं तो अगले जवाब देते हैं, अगले रिपोर्ट भेज देते हैं। सिर्फ रोज अगला नाम लिख के सिर्फ पहुँचती देखो रिपोर्ट, हमें लैब की रिपोर्ट दो। डॉक्टर भी नहीं आता यहाँ पे, डॉक्टर आता सुबह शाम को भी बाहर से, वो भी टेम्परेचर चेक करता है, फोन पे पूछता है कि क्या बीमारी तुम्हें, कुछ बीमारी है। जब इनको बीमारी नहीं पता हमारी तो क्यों फेंक रखा हमें। 22 दिन हो गए यहाँ पर, हमारी छुट्टी पूरी तरह खत्म कर दी। तारीख को छुट्टी आया था पिछले महीने और अभी तक मैं यहाँ पर कोविड-19 खट पंजोर में हूँ। 3 बार हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कि हमारी छुट्टी ख़त्म हो गई है 30 तारीख में और हमें छुट्टी मंगानी है। ऊपर से हमारा कुछ ड्यूटी का दबाव आ रहा है, हर बार ये लोग रिपोर्ट पॉजिटिव निकाल देते हैं। अगर पॉजिटिव निकाल दिया है तो कम से कम हमें उसकी रिपोर्ट दें, हमें उसकी रिपोर्ट दिखाया है, हमें रिपोर्ट दे दे, हमें शांति मिल जाएगी। और अगर हमें कोरोना पॉजिटिव जो आया है तो हमें उसी की दवाई दे, यानी कि वो बीका कैप्सूल और उसकी गोलियां उठा करके हमें दे दें और खाओ पड़े रहो। वहीं DC ऊना संदीप कुमार ने कोविड केयर सेंटर में उपचाराधीन मरीजों से संयम रखने का आह्वान किया है। मैं जो कोविड केयर सेंटर में जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो संयम बरतें। जो रिपोर्ट्स हैं उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाती हैं। रिपोर्ट्स यहाँ स्थानीय CMO जनरेट नहीं करते हैं, रिपोर्ट्स जो हैं टंडा मेडिकल कॉलेज की आती हैं और व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाती हैं। कई आर्मी के लोगों ने मेरे से भी बात की इस संदर्भ में, उनको मैंने समझाया है कि रिपोर्ट वही है जो व्हाट्सएप पे आ रही है, जहाँ आपका नाम लिखा होता है, आपका ID लिखा होता है, ठीक है। फिर भी यदि किसी को कोई विशेष परिस्थितियों में एक सर्टिफिकेट CMO से चाहिए है तो वो तरीके से जो है वो CMO से अनुरोध करें। या तो रख साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।